और इसमें जी जी कैंपस में बॉयकॉट है। यहाँ तक कि हमारी जो बहनें हैं अब्दुल्ला हॉल में एसएन में आईजी हैं उन लोगों ने भी धरना दिया है और सारा डाइनिंग हॉल वो भी बंद है और हम सब इस धरने को आगे तक ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इतिहास गवाह रहेगा, तारीख गवाह रहेगा कि इंशाल्लाह ताला हम लोग जो हैं इस बिल के खिलाफ रहेंगे। आइडिया ऑफ इंडिया है उसको हम लोग बचाएंगे ताकि कल को जो हमसे पूछ होगी तो हम सब उसमें बाइज्जत बरी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कैंपस में किस तरह का बायकॉट किया गया? कैंपस में आज जो हम लोगों ने ये किया है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कल बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट निकला हुआ था, सभी लड़के आए थे, हालांकि लड़कों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, लेकिन आज जो लड़कों ने डिसाइड किया था, ये कामन लड़कों ने डिसाइड किया था कि हम कल खाने का बायकॉट करेंगे, हम एग्ज़ाम का बायकॉट नहीं करेंगे। जो हमारा एकेडमिक चल रहा है, हमारी लाइब्रेरी बंद नहीं होगी, हमारा एग्ज़ाम एज इट इज चलेंगे, हमारा जो एडमिन ब्लॉक है वो भी एज इट इज चलेगा, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। सारे डाइनिंग हॉल में अब्दुल्ला आईजी वीएम एमएम आफ्ताब हर तरह के जितने भी डाइनिंग हॉल हैं सब बंद हैं। लड़कों ने टोटल खाने का बायकॉट किया है। लड़कों के जज्बों को सलाम करता हूँ मैं। बायकॉट ये था कि डाइनिंग का बायकॉट किया गया है, खास करके मास बायकॉट है। इसमें सारी डाइनिंग हॉल बंद है, कोई लड़का खाना नहीं खाने गया, बल्कि सबको ये अलाउ था कि अगर आपका बाहर खाना चाहे तो कहीं भी खा सकते हैं, कैंटीन वटीन में कोई भी खाना पीना। लेकिन एक मैसेज देना था सरकार को कि हम लोग अपना खाना बायकॉट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये देश दोबारा से तोड़ने की जो प्लानिंग चल रही है यहाँ से अगर फिर से टूट जाएगा, कि जब 47 में आज़ाद हुआ था तो हमारे पास कुछ नहीं बचा था, कैसे कैसे करके 2019 तक के आ करके आज हम सुपर पावर की लिस्ट में आने वाले थे और उस देश को दोबारा से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी इस बिल को ला करके कैब को। उस बिल को बचाने के लिए एक मैसेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से देना था, जो हम कोशिश में थे कि ये बिल वापस हो जाए। अब और सरकार से भी और अपोजिशन से भी दरख्वास्त करते हैं इस तरह का बिल ला करके हिंदुस्तान में नफरत मत बोइए, आपस में मत तोड़िए, वरना देश दोबारा से टूट जाएगा। ब्लैक डे किस तरह से मना रहे हैं? ब्लैक डे है ही है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या करेंगे, मतलब एक तरीके का ब्लैकआउट है। जो लड़का जहाँ पर है अपना जैसा भी है जो भी है कोई कुछ नहीं कर रहा है, मतलब बैठा हुआ है वहाँ पर जा करके कहीं भी अपना आ करके बैठा हुआ। कुछ लड़कों ने पेपर तक के छोड़ दिया अपने आप से खुद से, जबकि ये कहा गया था कि अगर आप पेपर देना चाहते तो पेपर दे सकते हैं, लेकिन लड़कों ने कहा कि जब हमारे पास डिग्री का क्या फ़ायदा होगा जब हमें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, हमारी नौकरी तक के नहीं बचेगी, हमारा एमयू नहीं बचेगा, हमें नहीं बचाया जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस डिग्री का लेकर के। तो लड़के खुद इस डर से उससे महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए ब्लैक डे है ये पूरे तरीके से, और ये सिर्फ एमयू में नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए ब्लैक डे है।